भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उपचुनाव में दोनों ही दल प्रचार और प्रसार और संपर्क तेज करने में जुट गए हैं। जहां भाजपा प्रत्याशी के पति के निधन के बाद परिवार के सदस्यों को मौका दिए जाने को सहानुभूति के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी दो बार हुई हार के बाद इस बार मौका दिए जाने की मांग लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। भाजपा संगठन मजबूत है तो कांग्रेस भी एकजुटता का दावा कर रही है। अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा 2022 में हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय चंदन राम दास 12,141 मतों के बड़े अंतर से जीते थे। उन्हें 32,211 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 20,070 मत मिले। लेकिन इस बार रंजीत भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर आपके बसंत कुमार को 16,109 मत मिले थे। कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जहां भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को सहानुभूति मत मिलने का भरोसा है, वहीं दो बार चुनाव हारे बसंत कुमार भी वोटरों से आस लगाए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 5 सितंबर को उनके भाग्य का फैसला मतदान ईवीएम से होगा। 8 सितंबर को मतगणना होगी, उसी दिन जीत की घोषणा भी हो जाएगी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मत प्रतिशत का यदि आंकलन किया जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है।